वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने स्ट्रेटनर से इस तरीके का कर्ल्स कर सकते हैं। इन्हें हम सॉफ्ट कर्ल्स बोलते हैं, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं एंड आप इसे किसी भी शादी पार्टी किसी भी फंक्शन में बहुत ही आसानी से वेयर कर सकते हैं और खुद से वेयर कर सकते हैं। आपको किसी सेकेंड पर्सन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसके लिए एंड आपका पार्लर का खर्चा भी बचने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये हैवेल्स का स्ट्रेटनर। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बाय किया एंड गाइस, मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर है। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में तो पूछेंगे कि आपने कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ किया, तो गाइस मैंने हैवेल्स का स्ट्रेटनर यूज़ किया है। यहाँ पर ये लॉक वाला सिस्टम आपको मिलता है, यहाँ पर आप इसे हल्का सा प्रेस करेंगे बटन को तो ये अनलॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड गाइस, इसमें आपको सिरेमिक कोटेड प्लेट्स मिलती हैं एंड इंस्टेंट हीटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलता है। मतलब ये 45 सेकेंड्स में, सिर्फ 45 सेकेंड्स में ये हीट हो जाता है। एंड गाइस, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है 210 डिग्री सेल्सियस विच इज़ ग्रेट। एंड इसकी जो कॉर्ड है वो 1.8 मीटर लंबी है, बहुत ही आसानी से आपकी प्लग पॉइंट तक पहुँच जाएगी। एंड इसी कॉर्ड में आपको एक हैंग करने के लिए भी मिलता है, जब तक आपका स्ट्रेटनर गर्म है जब तक आप उसे ऐसे हैंग करके रख सकते हैं। इसे मैंने पिंक कलर में परचेज किया है बट आप और भी कलर में से परचेज कर सकते हैं। इसमें 2-3 कलर ऑप्शन है एंड इन केस यू वांट टू बाय, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम आते हैं प्रोसेस पर। सबसे पहले आपको अपने बालों को बहुत ही अच्छे से डिटेंगल कर लेना है, मेक श्योर कि आपके बालों पर एक भी नॉट ना रहे। देन उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अपने बालों को हाफ डिवाइड करना है। आपको हाफ बालों को ऊपर क्लच कर लेना है एंड जो हाफ है उन्हीं को सबसे पहले उन पर वर्क करना है। सारे बालों पर अगर आप एक साथ वर्क करेंगे तो बहुत ही मैसी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से करना चाहिए। जिन बालों में मैं पहले वर्क करूँगी उसको मैं इस तरीके से आगे कर लूँगी। गाइस, मेक श्योर कि आप अपने बालों पर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगा कर रखें कोई भी स्ट्रेटनर या कर्लर यूज़ करने के पहले, अदरवाइज़ आपके बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने पूरे में पहले ही लगा दिया था एंड मैं आपको थोड़ा सा लगा कर बता रही हूँ, इसलिए मैंने बार बार इससे नहीं लगाया, मैंने पहले ही लगा लिया था। तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, आपके बालों पर एक लेयर प्रोवाइड कर देता है जिससे आपके बाल डैमेज तो होते हैं बट बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद मैं बालों को सेक्शन वाइज सेक्शन कर्ल करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपको हैवी कर्ल्स चाहिए तो आपको ज़्यादा बाल लेने चाहिए एंड आपको थोड़ा सा लाइट कर्ल्स चाहिए तो आपको ज़्यादा बाल लेने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले आपको अपने बालों को स्ट्रेट करना है, बस एक स्ट्रेटनर आपको अपने बाल में चलाना है जिससे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है, बस एक बार। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अपने स्ट्रेटनर को पकड़ना, आपका जो ये थंब होना चाहिए वो आपकी तरफ होना चाहिए एंड आपका जो हैंड है वो इस तरीके से होना चाहिए, क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, या हाँ आपका जो हैंड एंड कमर के बीच का एरिया है वो 90 डिग्री एंगल का होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको अपने बालों को एक बार अपने स्ट्रेटनर में रोल करना है एंड बीच से उसे कुछ इस तरीके से निकाल देना है और हल्का सा आपको अपना स्ट्रेटनर टिल्ट करना है। एंड इसके बाद आपको सिर्फ 5 तक गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड धीरे धीरे आपको कुछ इस तरीके से अपने स्ट्रेटनर को निकाल लेना है। आपको अपने हेड को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है एंड आपको अपने स्ट्रेटनर को भी स्ट्रेच करना है, मतलब दोनों तरफ आपको थोड़ा सा थोड़ा फोर्स लगाना है। एंड इसके बाद आपको कुछ इस तरीके के कर्ल्स मिल जाएंगे। आपको अपने कर्ल को कुछ इस तरीके से घुमाना है ताकि और अट्रैक्टिव लगे और थोड़ा लंबे समय तक टिके। अब मैं इसी प्रोसेस को अपने पूरे बाल पर फॉलो करूँगी। यहाँ पर मैंने एक तरफ के बाल को कर्ल कर लिया था, मैं भूल गई थी अपने वीडियो ऑन करना, सो या लेट इट बी। सो इस तरीके से मैं अब अगेन मैं सेम स्टेप्स को फॉलो करूँगी, बालों को रोल करूँगी स्ट्रेटनर पर पूरा एंड देन उसके बाद इस तरीके से उसको निकाल लूँगी।
मेक श्योर कि आपके आजू बाजू के बाल बिल्कुल नहीं फंसने चाहिए उस पर। एंड हाँ गाइज, एक बात और, आपको इस प्रोसेस के दौरान अगर थोड़ी बहुत धुआं निकलता है ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि आपके बाल जल रहे हैं या कुछ, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा ज़्यादा हीट होता है तो इसके कारण से ना धुआँ निकलता है, बट ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड नाउ यू एंजॉय द प्रोसेस। बाद मैं ये स्प्रे करूँगी अपने कर्ल्स पर ताकि ये थोड़ा लंबे समय तक टिके रहें। एंड गाइस, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत कर्ल्स हैं। आप इन्हें किसी भी ओकेजन में वियर कर सकते हो, लाइक शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किसी भी ओकेजन में बहुत ही आसानी से आप इसे वेयर कर सकते हो खुद से। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी सेकेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड आपसे आ जाएगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। बाजू में बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसे देख सको। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।